हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के फर्दर क्वेश्चन, यानी कि अभी तक हम लोग ने 31 तक के चरण के क्वेश्चन देखे थे, अब चरण के एमसीक्यूज देख लिए थे। अब हम लोग आगे की बात करेंगे जो कि है 32 से लेके 60 तक के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 31 का हम लोग ने क्योंकि पहले ही देख लिया था तो इसको मैं रहने देता हूँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि 32 वाला क्वेश्चन अपना है कि टूल लाइफ को अगर हम लोग को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर क्या हम लोग साइड कटिंग एज एंगल को बढ़ा दें तो टूल की लाइफ बढ़ जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया कि डिक्रीज इन साइड रैक एंगल, अगर साइड रैक एंगल को हम लोग कम कर दें तो क्या होगा कि टूल की लाइफ बढ़ने की जगह कम हो जाएगी उल्टा। और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन दिया गया है कि डिक्रीज इन नोज रेडियस, हम जानते हैं कि अगर नोज रेडियस को इंक्रीज करेगी टूल लाइफ बढ़ेगी, डिक्रीज करने पर कम हो जाएगी। तो इसका और बैक रैक एंगल को भी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो इंक्रीज होएगी उसकी लाइफ, लेकिन यहाँ डिक्रीज क्योंकि ऑप्शन लिखा है। तो तीनों ऑप्शन ये गलत हुए। जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इंक्रीज करना पड़ेगा साइड कटिंग एज एंगल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द वर्क पीस इज सो अरेंज इन द बॉडी ऑफ जिग एंड फिक्सचर, यानी कि वर्क पीस को जो हम लोग अरेंज करें किसी जिग एंड फिक्सचर में, कंसिडर द पोजिशन ऑफ टूल, टूल के पोजिशन को देखते हुए, एंड इट एंड अदर सिमिलर वर्क पीस, ये और दूसरा जो सिमिलर वर्क पीस है कैन ऑक्यूपाई ओनली वन पोजिशन इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लोकेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सिस्टम विच होल्ड द वर्क पीस अगेंस्ट द कटिंग फोर्स विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इट, इसका मतलब कि हम लोग वर्क पीस को होल्ड कर रहे हैं वो भी कटिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो और जो हम लोग होल्डिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस पर कोई असर उसमें डैमेज ना पड़े ना ही वर्क पीस पड़े, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्लैंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर ये वाला तो इसमें आराम से जवाब दिलेगी इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द गिव द लोकेटिंग एंड क्लैंप प्रिंसिपल, जो लोकेटिंग और क्लैंपिंग का क्या प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया रिड्यूस करना टाइम को, ऑपरेशन टाइम को, जो कि सही है। इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी, इसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी एक प्रिंसिपल है लोकेटिंग और क्लैंपिंग का। और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये तीनों ही ऑप्शन अपना सही हो गया, आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टू अचीव प्रॉपर लोकेशन को अगर हम लोग को पाना है तो हम लोग 3-2-1 मेथड का यूज़ कर सकते हैं। राइट है कि मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट, कम से कम जो पॉइंट लोकेटिंग पॉइंट है उसका यूज़ करके भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लोकेशन को और मेक फुल प्रूफ लोकेशन, तो इसका भी आंसर डी सही हो जाएगा ऑल ऑफ द वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3-2-1 प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज, 3-2-1 प्रिंसिपल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग को भी पता होगा 6 पॉइंट लोकेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, अब ये इसको समझने के लिए अरे क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा अपना माइंड को एक्टिव करके समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई टेबल के ऊपर बुक रखी गई है और उसके हम लोग को मोशन को रोकना है, ठीक है, या ये पूछ रहा है कि कोई टेबल के ऊपर बुक रखी है तो उसकी कितनी मोशन जो है वो रुक गई है। तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा होगा 6 टाइप के वो होते हैं, ठीक है, मोशंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, जो कि है एक इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है जिसको हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, दूसरा जो है इस डायरेक्शन में मोशन हो सकता है जिसको भी हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, तीसरा भी ये इस डायरेक्शन को होता है जिसको हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, और 3 ट्रांसलेशन मोशन होते हैं और 3 रोटेशनल। अब 3 रोटेशनल मोशन जो होते हैं वो इस साइड में होते हैं, ठीक है, एक इधर वाला हो गया, एक इस साइड में हो गया और एक इस एक्सिस के अबाउट हो गया। तो यहाँ अगर बुक की हमें बात करूँ सिंपली, तो यहाँ अगर मैं बुक रखता हूँ, प्लेस करता हूँ यहीं पर, ठीक है, ये मैंने बुक को प्लेस कर दिया यहाँ पर, इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं, ये मैंने बुक को प्लेस किया। अब ये बुक की कितनी जो मोशन है उसको हम लोग ने मूवमेंट को रोक दिया यहाँ पे, तो देखा जाए ये ना ही बुक इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है जो कि ये रोटेशन की मोशन है, ठीक है, ना ही इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, तो रोटेट किस डायरेक्शन में कर सकती है, एक डायरेक्शन में, यानी कि 2 रोटेशन की मोशन हम लोग ने उसकी रोक दिया बुक की। और मूवमेंट किस डायरेक्शन में कर सकती है, इस डायरेक्शन में भी कर सकती है, इस डायरेक्शन में कर सकती है, लेकिन जो इस डायरेक्शन वाली मोशन है वो भी हम लोग की रुक गई है, यानी कि एक रोटेशन, एक ट्रांसलेशन मोशन रुकी है और एक ट्रांसलेशन मोशन, और 2 अपनी रुकी है कितना रोटेशन मोशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा जो कि है 1 ट्रांसलेशन मोशन उसकी रुक गई है और 2 रोटेशन मोशन। इसको आप अपने माइंड से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन अपना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ सिलेंडर प्लेस्ड इन ए वी ब्लॉक, अब कोई वी ब्लॉक पर एक सिलेंडर हम लोगों ने रख दिया, ठीक है, देख लेते वी ब्लॉक है, ठीक है, इस पर हम लोग ने एक सिलेंडर को रखा है, तो इसकी कितने डायरेक्शन मोशन रुकी है,
इसको सिलेंडर को हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, जो कि ये है। ठीक है, तो एक रोटेशन यानी कि दो रोटेशन उसकी रुक गई है, और जो मूवमेंट उसकी, या तो इसको आगे कर सकते हैं या तो पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ये वाली मोशन और ये वाली मोशन उसकी रुक गई है। ठीक है, यानी कि हम लोग जो मोशन कर सकते हैं वो केवल इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, जो कि एक ट्रांसलेशन डायरेक्शन हो गई, और जो रोटेट कर सकते हैं वो इस डायरेक्शन में केवल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि दो दो रोटेशन और दो ट्रांसलेशन मोशन इसकी रुक गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और जो चक में होता है, चक वाला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ए जॉब क्लैम्प इन चक। चक में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा, उन्होंने क्लैम्प किया है, और वो 3-2-1 प्रिंसिपल का कुल मिला के ये चीज़ है। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन है, ये वाले एग्जाम में आने के चांस भी है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, और अगर कुछ डाउट होता है पूछ लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, जो चक में हम लोग फंसाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके तीनों डायरेक्शन रोटेशन और तीनों ट्रांसलेशन, छः के छः मोशन बंद हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनरली एडजस्टेबल लोकेटर यूज टू लोकेट विच सरफेस। जनरली जो एडजस्टेबल लोकेटर होता है उसका हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग रफ सरफेस को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड सपोर्ट लोकेटर यूज टू लोकेट, किस टाइप के सरफेस को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं इसका, इसका हम लोग करते हैं मशीन सरफेस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि इक्वलाइजिंग लोकेटर जनरली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ सरफेस। तो इक्वलाइजिंग जो लोकेटर का यूज़ करते हैं हम लोग, किस जनरली किस टाइप के सरफेस के लिए करते हैं, इसका आंसर आप लोग सोच के बताइए ज़रा। चलिए कोई नहीं, आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, जब तक मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है अन ईवन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ लोकेटर इज़ यूज टू लोकेट जॉब बाय इट्स इंटरनल सरफेस के। तो इसका इंटरनल अगर सरफेस या डायमीटर बोल रहा है, तो इसमें हम लोग इंटरनल लोकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच लोकेटर इज़ यूज टू लोकेट स्मॉल डायमीटर। स्मॉल डायमीटर के अगर जॉब की बात करें हम लोग, अगर उसको हम लोग को लोकेट करना है, तो हम लोग सिंपली पिन लोकेटर का यूज़ करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। इन विच टाइप ऑफ लोकेटर हैविंग डिप्रेशन रिसेस सेम एज द शेप ऑफ जॉब। जॉब के ऐसे सेम किस में होता है, इसमें इसका आंसर अपना डी सही है। ठीक है, इसका आप लोग अपने से पता लगाइएगा और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कैसे है। ठीक है, अगर कुछ गलत रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ लोकेटर जनरली यूज टू लोकेट सिलेंड्रिकल जॉब। सिलेंड्रिकल अगर जॉब को हम लोग को लोकेट करना है, तो सिंपली हम लोग वी लोकेटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले दिखाया था किस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ पिन यूज्ड व्हेन टॉलरेंस आर नॉट टू टाइट फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपना वी पिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि जनरली वार्सल इज स्पेसिफाइड बाई, जो वार्सल होता है जनरली किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है, वो इंटरनल डायमीटर के किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफाइड। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द डिवाइस यूज टू रिमूव द वर्क पीस फ्रॉम द जिग एंड फिक्सचर इज कॉल्ड। अगर कोई डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिग एंड फिक्सचर से वर्क पीस को निकालने के, तो उसका क्या नाम है, तो इसका आंसर अपना है सी, इजेक्शन, क्योंकि क्लैंपिंग पकड़ने का काम करता है, लोकेटर लोकेट करता है, पिन भी स्मॉल डायमीटर के वर्क पीस को लोकेट करता है, तो ये तीनों ही अपने नहीं है आंसर। ठीक है, आंसर हो गया सी ऑप्शन, इजेक्टिंग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज क्वाइक एक्टिंग क्लैंप। अब ये क्वाइक एक्टिंग क्लैंप कौन सा, हिंज क्लैंप है कि कैम ऑपरेटेड क्लैंप है कि ब्रिज क्लैंप है कि एच क्लैंप, इसका आंसर आप लोग कोशिश करिएगा दीजिएगा देने का। ठीक है, नहीं तो कल तक मैं अपने कमेंट में आंसर इसका बता दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जिग एंड फिक्सचर आर यूज्ड फॉर। जिग और फिक्सचर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, सिंपल है कि मास प्रोडक्शन में के लिए भी करते हैं, आइडेंटिकल पार्ट प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूज़ ऑफ जिग एंड फिक्सचर, जिग एंड फिक्सचर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं कि इसका क्या हो जाएगा अपना, फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ लेस स्किल लेबर फॉर प्रोडक्शन, एलिमिनेट प्री मशीनिंग ऑपरेशन लाइक मार्किंग मेजरिंग और लेआउट एक्सेट्रा, रिड्यूस मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन। तो ये तीनों ही के लिए हम लोग जिग एंड फिक्सचर की यूज़ करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी सही, ऑल ऑफ द अबो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ ए जिग। तो जो इसमें से फंक्शन क्या है जिग का जो फंक्शन होता है वो होल्ड भी करता है वर्क पीस को, लोकेट भी करता है और गाइड करता है टूल को। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिक्सचर डज नॉट डू,
फिक्सचर क्या नहीं कर सकता है। तो फिक्सचर जो सिंपल है, हम लोग डिफरेंस पढ़े होंगे जिग एंड फिक्सचर में, वो क्या है कि जो अपना ये होता है जिग, वो गाइड टूल को गाइड करता है, जबकि फिक्सचर टूल को गाइड नहीं कर सकता। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है, गाइड नहीं कर सकता है टूल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिग आर नॉट यूज्ड इन, जिग का हम लोग इस्तेमाल क्यों कहाँ नहीं करते। तो यहाँ देख पा रहे हुए ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग तीनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिलिंग में तो हम लोग यूज़ करते हैं, रीमिंग में भी करते हैं, टैपिंग, टैपिंग मतलब कि हम लोग थ्रेड बना रहे हैं इंटरनल डाया के अंदर। तो ये तीनों जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं जिग का, जबकि जहाँ कहाँ पे नहीं करते। इसका आंसर हो जाएगा अपना मिलिंग, मिलिंग में हम लोग जिग का यूज़ नहीं करते, ठीक है। फिक्सचर का यूज़ हम, अगला क्वेश्चन है कि फिक्सचर का यूज़ हम लोग कहाँ नहीं करते। फिक्सचर का यूज़ जो हम लोग नहीं करते हैं वो है ऑल ऑफ द अबो। फिक्सचर का यूज़ कहाँ करते पूछ रहे हैं, यानी कि हम लोग फिक्सचर का यूज़ मिलिंग में भी करते हैं, शेपिंग में भी करते हैं, टर्निंग में भी करते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डेट। अब ये पूछ रहा है अपना एक प्रिंसिपल दे रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है कि ये प्रिंसिपल किसका है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कुछ इस तरह से पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू अचीव द मैक्सिमम एक्यूरेसी इन लोकेशन द लोकेटिंग पॉइंट शुड बी। कहने का मतलब है कि जो अगर हम लोग को हायर एक्यूरेसी प्राप्त करना है, ठीक है, लोकेशन से, लोकेशन के द्वारा, लोकेटिंग पिन की हेल्प से, लोकेटिंग पिन की हेल्प से, तो हम लोग को लोकेटिंग पिन को कहाँ सेट करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब है सिंपली, इसका जो स्टेटमेंट वो कह रहा है, इन ऑर्डर टू अचीव द मैक्सिमम एक्यूरेसी इन लोकेशन द लोकेटिंग पॉइंट शुड देयरफॉर बी प्लेस्ड एज फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज इट पॉसिबल। यानी कि दो हम लोग पिन का यूज़ कर रहे हैं, तो और इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पॉसिबल उतना दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस प्रिंसिपल के सिद्धांत के अनुसार है, यानी कि एक ये लोकेटिंग पिन है, एक ये लोकेटिंग पिन, इसको हम लोग जितने पॉसिबल हो सके उतना दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सके। तो ये किस सिद्धांत के में आता है, इसका जो सिद्धांत है वो है एक्सट्रीम पोजिशन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग होल्ड द वर्क पीस श्योरली इन ए जिग एंड और फिक्सचर अगेंस्ट द कटिंग फोर्स। अब यहाँ पे बात कह रहा है कि कटिंग फोर्स के अगेंस्ट में, जिग एंड फिक्सचर का हम लोग जो होल्ड करते हैं वर्क पीस को कटिंग फोर्स के अगेंस्ट में। तो यार अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन देखे थे, तो ये किस में होता है, ये क्लैंपिंग डिवाइस, ठीक है, क्लैंप हम लोग करते हैं, जो कि अपना जो कटिंग फोर्स होता है उसके अगेंस्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसका, ठीक है, वर्क पीस को क्लैम करके वर्क उसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला अपना का 60 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस। तो इसमें से कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं लोकेटिंग और क्लैंपिंग डिवाइस के लिए, हाई कार्बन स्टील यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग लो कार्बन स्टील यूज़ करते हैं, या हाई स्पीड स्टील, या डाई स्टील। तो इसमें हम लोग अक्सर हाई कार्बन स्टील का ही यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का टोटल सरण के 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गए हैं। तो और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको, क्या लगता है आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं। सो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।